हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आ गई एक नए से ब्लॉग, जो कि आज का मेन जो पार्ट है वो है चिकन। आप लोग को तो पता ही होगा कि मेरा बेटा को चिकन खाना बहुत ही पसंद है, तो आज मैं आप सबके साथ फिर से लेकर आ गई हूँ इजी रेसिपी चिकन के साथ, जो कि मेरा बेटा को बहुत ही पसंद है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रोस्टेड कढ़ाई चिकन, या फिर आप फ्राइड चिकन भी बोल सकते हो। तो चलो, इस चिकन को मैं ओवन विदाउट ओवन ही बनाने वाली हूँ। आपके पास अगर ओवन ना हो तो विदाउट ओवन आप बना सकते हो आपके घर पर। तो चलो फ्रेंड, आज मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और फ्रेंड, अगर आप सबको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और फ्रेंड, आप सबके सपोर्ट की वजह से आज मैं ये ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो चलो फ्रेंड, आज का मेन जो पार्ट है वो है चिकन और नूडल्स। तो ये जो नूडल्स है वो एग नूडल्स है, जो थुप्पा बनाते हैं जिस नूडल्स से, वही नूडल्स से मैं आज बनाने वाली हूँ। तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं ब्लॉग के साथ। नूडल्स है वो एग नूडल्स है, जो थुप्पा बनाते हैं जिस नूडल्स से, वही नूडल्स से मैं आज बनाने वाली हूँ। तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं ब्लॉग के साथ। तो अब यहाँ देख सकते हो, मैंने पहले से ही चिकन को मैरिनेट करके रखा है। तो ये जो चिकन है, इसमें मैं कलर ऐड करने के बाद, वही चिकन में इसमें थोड़ा मैंने कलर ऐड किया है। तो कलर ऐड करने के बाद मैंने एक तवा लिया है, तवे पे थोड़ा सा तेल ऐड करने के बाद इस चिकन को मैं धीरे धीरे ऐड करते जा रही हूँ और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये मेरा बेटा बैठा है यहाँ पे, देख सकते हो फ्रेंड, देखो बहुत ही बहुत बदमाश हो गया है, देख सकते हो फ्रेंड, से बहुत ही ज्यादा बदमाश हो गया है। इसको इस गड्ढे से मैं ठंडे कर दूंगी। देखो इधर से उधर से, कहाँ से दूं। तो चलो फ्रेंड, देखते हैं कैसे बना है हमारा चिकन। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये जो हमारा चिकन है लगभग होने लगा है। तो इसको हम पलटते हुए एक एक साइड से अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड, इसको देख सकते हो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से फ्राई कर लेना है। और फ्रेंड, ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है। और आप लोग को अगर बिल्कुल होममेड तरीके से ये चाहिए और इसका रेसिपी, फुल रेसिपी अगर चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी, अब वहां से रेसिपी ले सकते हो। और या तो फिर मेरे चैनल में जाकर वहां से भी आप इस रेसिपी को देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, अब इसको हम अच्छे से ढककर कुछ समय के लिए पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा चिकन जो है धीरे धीरे अच्छे से फ्राई होने लगा है। तो हमारा चिकन बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसको हम, इस फ्राइड चिकन को हम तवे से निकाल कर एक प्लेट में ले लेंगे। और फ्रेंड, अब भी इसी तरीके से घर पे एक बार बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो ये हमारा फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा पलटते हुए इस चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, ये हमारा चिकन बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो अब हम हमारा जो बाकी बचा चिकन है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो चिकन है, मैं इसको पलटते हुए इसको भी हम फ्राई करेंगे और ढक कर इसको फ्राई करना है फ्रेंड। तो देखिए, इसको भी हम पलट रहे हैं। तो आज का जो रेसिपी है वो है ये चिकन, फ्राइड चिकन और नूडल्स है फ्रेंड। मैं नूडल्स बनाने वाली हूँ बच्चे के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, अब हमारा ये चिकन जो है ये लगभग होने लगा है। तो इसको भी हम कुछ समय के लिए इसी तरीके से ढक देंगे। तो ये भी जो चिकन है हमारा बिल्कुल बन चुका है। तो अब हम दिखाते हैं, ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो नूडल्स है ये है थुप्पा बनाने वाली नूडल्स। तो ये एग नूडल्स है फ्रेंड। फ्रेंड, ये केवल दो इंग्रेडिएंट से ये बनेगा। तो इसमें हम पानी, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे
मैगी मसाला। तो आपके पास मैगी मसाला तो हर घर में अवेलेबल ही होता है, तो अब इसमें हमने यहाँ पे मैगी मसाला ऐड किया है। अब हम हमारे पास ये पी नूडल्स का एक मसाला था, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो ये चिकन है ये लगभग होने लगा है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे वही सेम प्लेट में। तो इसको हम ढक देते हैं। अब हमारा ये चिकन को हमने यहाँ पे पलट दिया है, देख सकते हो। ये हमारा चिकन टोटल इतना ही चिकन बना है, तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारा इंडक्शन बिल्कुल खाली पड़ा है, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे, बैठाएंगे हमारा वही तवे, जो जिस तवे पे हमने यहाँ पे नूडल्स ऐड किया है। तो देख सकते हो वही नूडल्स को मैं यहाँ पे बॉयल करने वाली हूँ। तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। ऐड करने के बाद फ्रेंड, अब इसको हम इस नूडल्स में थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। और ऐड कर ये नूडल्स को हमने यहाँ पे तोड़ दिया है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा था साइज़ में, तो इसको बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इस नूडल्स को यहाँ पे हाफ हाफ कर दिया है। तो देख सकते हो अब इसको हमने ढककर बनाने वाले हैं। तो अब हमारा ये जो चिकन है, चिकन भी बिल्कुल बन चुका है। अब इसमें जो ये चिकन का जो तेल निकला है, इसको हम ऐड करेंगे वही नूडल्स में, क्योंकि इसमें चिकन का बहुत ही सारा फ्लेवर इसमें है, इस तेल में, तेल के अंदर। तो अब हम ये तेल ऐड करते हुए इसको ढक कर कुछ समय के लिए इसको बॉईल करेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा नूडल्स है ये बॉईल होने लगा है, तो इसको कुछ समय के लिए फिर से ढक देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा नूडल्स बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं टमाटो सॉस, तो अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। बच्चे को टोमेटो सॉस बहुत ही पसंद होता है फ्रेंड, और ये ग्रेवी वाला नूडल्स जो है ये तो खाना बहुत ही पसंद होता है। तो इसको हम एक प्लेट में अब इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारा नूडल्स बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो चलो फ्रेंड, दो प्लेट हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब इस प्लेट पे हम ऐड करेंगे ये हमारा नूडल्स। तो देखिए फ्रेंड, अब इसमें हम नूडल्स को ऐड कर रहे हैं प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा गर्मा गर्म नूडल्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो अब हमारा ये चिकन भी देख सकते हो, ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये चिकन मैं ऐड करूँगी वही नूडल्स के साथ। तो अब हम दूसरा प्लेट में भी हमारा नूडल्स जो है उसको भी हम सर्व कर लेते हैं। तो अब हम इसमें भी नूडल्स हमने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, देख सकते हो फ्रेंड। अब इसमें हम ऐड करेंगे वही चिकन, फ्राइड चिकन। तो हम फ्राइड चिकन के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। तो चलो, बच्चे को ये कितना खाने में कितना पसंद होता है वो हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने दो प्लेट बिल्कुल लगवा लिया है अपने बच्चे के लिए। तो चलो, साथ में दो फॉर्क भी ले लेते हैं। तो अब हमारा जो चिकन कैसे बना और नूडल्स कैसा बना, अब ज़रूर कमेंट में बोलना। और तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम हमारे बच्चे के लिए मैं लेकर जा रही हूँ, देख सकते हो मेरा बड़ा बेटा जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो इसको अब हम यहाँ पे बुला रहे हैं, बैठो यहाँ पे, और खाना मैंने सर्व कर दिया। कैसा बना है, कैसे बना और बोलो। चम्मच दीबो चले आए काटा चम्मच। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा छोटा बेटा जो है वो रो रहा है। यम्मी है, टेस्टी है। तो चलो, ये मेरा आरू बेटा है, ये मेरा छोटा है, छोटा बच्चा, वो भी ये देखो उसका लेग में क्या हो गया, देख सकते हो आप।
यहाँ पे गिर गया था, उसके पाँव में बहुत जोर से लगा था और ये फूल गया था। तो चलो ये है उसके लिए, उसके वास्ते। तो चलो बिस्मिल्लाह बोले, स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह बोलो। आई तो सोना चले नीचे, टानो टानो टानो, सुड़ूक करे जुप करे टानो। ऐ तो सबास, ऐ तो आया ना जुप जुप करे खाचे। देखिए फ्रेंड, मेरे बेटे जो है इसको अभी थोड़ा तीखा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं पानी दे रही हूँ उसको। वो बिल्कुल तीखा नहीं खा सकता है, बट मैंने यहाँ पे तीखा कुछ भी नहीं दिया उसको। थोड़ा जो मसाला मैगी मसाला में जितना जितना है उसी में ही उसको तीखा लग रहा है, तो खा रहा है अभी सिर्फ चिकन। छोटे मेरा छोटा बेटा जो है वो देख सकते हो फ्रेंड, हमारे बच्चे लोग बहुत ही खुश हैं चिकन खाने में, बहुत ही ज़्यादा मेरे से दोनों यहाँ पे खा रहे हैं। और मैं यहाँ पे अभी नमाज़ पढ़ूँगी, मगरिब का अज़ान हो चुका है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने बेटे को, बड़े बेटे और छोटे दो हैं, ये जूनियर के जी में पढ़ता है स्कूल, मुझे शाम के लिए इसको पढ़ाना बैठाना है। और इसलिए अभी घर पे ही पढ़ता है, अभी स्कूल में भर्ती नहीं हुआ है, इसको भी मैं भर्ती कर दूंगी कुछ दिन के बाद, तो फिर ये भी स्कूल जाने लगेगा। यस यस, चलो खाओ, हम लोग खाना खाओ। देखिए फ्रेंड, अभी हमारा बच्चे लोग खा रहे हैं, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, पढ़ाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम बैठो यहाँ पे, बैठो। पढ़ने के बाद हमारे बड़े बेटे को हम यहाँ पे होमवर्क कराना है उसको, तो चलो। तो उसके लिए तो उसको अभी हम पढ़ाएंगे, इस बुक से कुछ मैथ कराएंगे। तो देख सकते हो अभी ये पढ़ाई करने के लिए बैठ चुका है, खाना बिल्कुल फिनिश कर दिया है इसने। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो रात में थोड़ा देर से आए हैं और मेरे लिए बाहर से खाना उन्होंने ऑर्डर करके लेके आए हैं। तो हमारे घर के दो जो बच्चे हैं वो खाना खाकर सो गए हैं और हम डिनर कर रहे हैं अभी, नान के साथ मटन है और अभी हम खाना खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।